आज मैं आया हूँ हमारे शहर के एमओ इलेक्ट्रिकल वेदिका ऑटो मोबाइल पर। एमओ के अंदर एक मॉडल आता है जोंडी प्लस, जो कि पहले नॉन आरटीओ में था, अब इसे कंपनी से आरटीओ में कर दिया है। यानी कि जो गाड़ी पहले आपको 1,10,000 पड़ती थी, आपको फेम टू सब्सिडी के बाद आपको लगभग 67,000 के आसपास ये आपको पड़ने वाली है। तो आ चुके हैं हम शोरूम पर एमओ इलेक्ट्रॉनिक के, तो अंदर जाकर हम गाड़ी का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं, गाड़ी को बाहर निकाल के इसका एक वीडियो आज शूट करने वाले हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स नए ऐड हुए हैं। काफी मजबूत गाड़ी है, एमओ इलेक्ट्रिकल नोएडा मैन्युफैक्चर है। तो करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जोंडी प्लस, एमओ का ये जोंडी प्लस वाला मॉडल है, इसे मैं शोरूम से लेकर बाहर आ चुका हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एमओ का इलेक्ट्रिकल का ये पहला फर्स्ट मॉडल है जो कि आपका आरटीओ वाला मॉडल है। पहले ये नॉन आरटीओ वाला मॉडल था। तो आपको जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये पहले 1,10,000 में आता था। अभी आपको दोनों सब्सिडी हटाकर, फ्रेम टू वगैरह सब्सिडी हटाकर, आपको मात्र 67,000 में मिलने वाला है। 67,000 में मिलने वाला है। और उसकी रेंज की बात करूँ आपको, तो पहले जो रेंज थी आपकी 130 किलोमीटर एक बार चार्जिंग पे, फिलहाल इसकी रेंज आपको वही मिलने वाली है 130 किलोमीटर एक बार चार्जिंग में। क्योंकि इसमें बैटरी जो आपको आने वाली है, लिथियम बैटरी आने वाली है, और बैटरी के जो वोल्टेज आने वाला है 62 वोल्ट आने वाले हैं, और आपको 40H की आपको बैटरी इसमें आने वाली। 40H की बैटरी अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो आपको 130 किलोमीटर आराम से यहाँ पे ये चल जाती है। तो आइए आपको गाड़ी थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। हम बात करेंगे इसके मोटर के बारे में, इसकी बैटरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका ये जोंडी प्लस लिखा हुआ है, देख सकते हैं गाड़ी काफी गुड लुकिंग है, काफी हैवी है, कंपनी ने इसे बनाया है। ये एमओ नोएडा का मैन्युफैक्चर है। आप जरा पास से मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड में आपको क्या क्या मिल रहा है। 67,000 में आपको टू रिमोट्स मिल जाएंगे, रिमोट के सारे फंक्शन, सेंटर लॉकिंग वगैरह, रिमोट लेस एंट्री वगैरह, आपको कीलेस एंट्री वगैरह आप सभी इसमें कर सकते हैं। सीट ओपन भी आपकी यहाँ फ्रंट से हो जाएगी, ये भी अच्छा सिस्टम है। आप इसको एंटी क्लॉक वाइज करेंगे तो आपकी यहाँ से सीट ओपन हो जाएगी, और पुश करके वापस एंटी क्लॉक करेंगे तो आपका यहाँ से हैंडल लॉक हो जाएगा। चलिए, हमने डैशबोर्ड यहाँ पे ऑन कर लिया, तो आप डैशबोर्ड पे डालते हैं इसकी एक नज़र। तो डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है, आपको ये विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी, अगर आप दिन में भी चला रहे हैं इसे, धूप में भी चला रहे हैं, तो आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसमें आपको देख रहे हैं बैटरी के साइन पूरे फुल दिख रहे हैं। आपको इसमें ट्रिप मीटर मिलेगा और आपको एक ऑडोमीटर मिलेगा। यहाँ पे मोड भी शो हो रहा है, अभी आरटीओ वाला मॉडल है, जिससे आराम से आप 25 प्लस चला सकते हैं। ये भी सेकंड मोड में खड़ा है। अगर मैं मोड यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे थर्ड मोड भी आपका यहाँ पर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और ये फर्स्ट मोड आपका यहाँ पे शो हो गया है। स्विचिंग की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे पार्किंग वाले स्विच यहाँ मिल रहे हैं, फुल लाइट वाले स्विच आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और क्रूज कंट्रोल का सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि आप स्पीड लॉक करना चाहें 25-30 बजे से, आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपकी स्पीड यहाँ पर लॉक हो जाएगी। ये ग्रीन स्विच दिख रहा है आपको, ये आपके मोड यहाँ से चेंज करता है। और यहाँ पे एक चाइल्ड लॉक वाला एक स्विच भी दिख रहा है, अगर इसको मैं प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका एक साइन आ जाएगा, मतलब गाड़ी आपकी पूरी तरह से लॉक हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी जैसे जनरली कहीं खड़ी रहती है, हम चाबी जैसे सडनली ऑन करते हैं तो गाड़ी आपकी आगे रन हो जाती है। अभी गाड़ी आपकी लॉक कंडीशन में है तो एक्सीलेटर देने पर भी गाड़ी का आपका टायर बिल्कुल रन नहीं होगा। इसमें आपको यहाँ पे ये अच्छा फीचर मुझे लगा। और इस तरफ देखेंगे तो स्विचिंग आपको अपर डीपर दे रखे हैं, हॉर्न यहाँ पे दे रखा है, इंडिकेटर यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे बस एक रिवर्स गियर का ऑप्शन मुझे यहाँ पे थोड़ा मिसिंग लगा है, रिवर्स गियर का ऑप्शन नहीं है। पार्किंग मोड तो यहाँ पे दो दो समझ लेते हैं, जैसे चाइल्ड लॉक इसको आप पार्किंग मोड समझ लें। और इसके साइड स्टैंड में भी आपको सेंसर लगा हुआ है, अगर आपकी साइड स्टैंड यहाँ पे लगी हुई है और आपने चाइल्ड लॉक हटा भी दिया है तो भी आपकी गाड़ी आगे रन नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है पार्किंग टू, यानी कि आपको पार्किंग टू जब भी लिखा हुआ है आपको समझ लेना है कि ये गाड़ी हमारी साइड स्टैंड इसकी लगी हुई है। जैसे ही आप मैं साइड स्टैंड यहाँ से हटाता हूँ तो आपका ये पार्किंग टू यहाँ से हट जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ से साइड स्टैंड हटाई है और ये आपका पार्किंग टू यहाँ से हट गया। तो आप एक बार देख सकते हैं ये पार्किंग टू हट गया है और गाड़ी हमारी यहाँ पर रेडी भी लिखा हुआ आ गया है, यानी कि गाड़ी चलने को तैयार है। गाड़ी का टायर भी यहाँ पर रन हो रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी आपको अच्छी स्पेस भी मिल जाती है, बॉटल वॉटल लग सकते हैं या आप मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट कंपनी से दिया हुआ है। फ्रंट में भी काफी अच्छा आपको लेग स्पेस मिल जाता है, लगभग आपको 10 इंच का यहाँ पे, मतलब पूरा एक फिट मान लेते हैं, 1/10 वाला आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, मतलब स्पेस भी अच्छा खासा मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, बैटरी आपकी
यहाँ पर चार्ज होती है, 60% आपकी 2 आवर्स में हो जाती है और पूरी बैटरी होने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर आपका चार्जिंग सॉकेट है, बैटरी आपकी रिमूवेबल भी है, बाहर भी निकल जाएगी। आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीटिंग पोजिशन। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी राइडिंग काफ़ी कम्फर्टेबल यहाँ पर है, मतलब मेरे जो पैर है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर अगर आप चलाते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पर फील आता है। अब मैं इसकी हाइट की बात कर लेता हूँ, तो सीट हाइट भी इसकी नॉर्मल है, 730 इसकी सीट हाइट है। मेरी हाइट 5.7 है, पर मैं आराम से बैठा हूँ। अगर आप शॉर्ट राइडर भी हैं तो इसे आसानी से चला सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलाने में आपको फील आता है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं आता कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला, जनरली आप जो पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं आपको इसमें ऐसा ही यहाँ पे फील आता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा कंपनी ने दिया है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 का दिया हुआ है, तो आप किसी भी अगर स्पीड ब्रेकर पर जाते हैं 2 पिलियन 3 पिलियन भी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी आपको यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देती है, अब ब्रेकिंग इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी ने आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी दिया है, 10 इंच के टायर दिए हैं, बट टायर आपके ट्यूबलेस मिलते हैं, 3.0x10 सेक्शन के टायर आपको मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं वो आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं। अब पीछे बात करूँ तो पीछे यहाँ पर आपकी BLDC वाली हब मोटर यहाँ पर फिटेड रहती है, आप देख सकते हैं। मोटर पहले यहाँ पर 250 वाट की मिलती थी, अब आपको यहाँ पे 1200 वाट की यहाँ पे मोटर मिलती है, मोटर काफ़ी पावरफुल है। और पीछे जो सस्पेंशन आ रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ मैं, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, बट ये आपके गैस सस्पेंशन है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये बाइक में जो यूज़ होते हैं गैस सस्पेंशन वो है, और सस्पेंशन काफ़ी हैवी है, मैं आपको यहाँ प्रेस करके दिखाता हूँ। अगर आप 2 पिलियन 3 पिलियन भी बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको फील आता है। मोटर आपकी यहाँ पर वाटरप्रूफ मोटर है और 1200 वाट की आपको यहाँ पर कंपनी से मोटर आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगी कंपनी से, आपको यहाँ पे फुटरेस वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ एक लेडीज फुटरेस इस तरफ आता है। आपको मैं दिखा देता हूँ लेफ्ट में, ये देखिए लेडीज फुटरेस आपको यहाँ पे आता है। अब बैकिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, इसमें आपको EABS भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे आपके ब्रेक काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। अब मैं आपको सीट ओपन करके दिखा देता हूँ, सीट हमने ओपन पहले यहाँ पे कर ली थी, एक बार हम सीट ओपन कर लेते हैं। सीट ओपन कर ली है, यहाँ पे आपकी MCB लगी हुई है, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, देखिए बैटरी पे लिखा भी हुआ है, इधर से मैं आपको दिखाऊंगा, 60 वाट और 40H यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लिथियम आई आपको बैटरी मिलती है, बैटरी में आपको वारंटी 3 ईयर की मिलती है और बैटरी रिमूवेबल भी है, आप इसको यहाँ से MCB से बंद करके सॉकेट को खींच कर बाहर भी चार्ज कर सकते हैं, आपको ये सॉकेट शोरूम से मिल जाएगा, वो सॉकेट लगा के इसको आप बाहर भी आसानी से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। लिथियम बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी यहाँ पे दी है, काफ़ी बड़ी बैटरी दी है, मतलब ये एक बार चार्जिंग में आपको 130 किलोमीटर इकोनॉमिक मोड में यहाँ से ये चल जाती है। अब मैं छोटी सी इसकी टेस्ट राइड लेता हूँ, बाकी बातें हम यहीं पर आके करते हैं, तो बाकी आपसे आके यहीं पर हम मिलते हैं, फटाफट उसकी टेस्ट राइड ले लेते हैं हम। टेस्ट राइड के लिए मैं निकल चुका हूँ, चाबी मैंने यहाँ से ऑन कर दी है और यहाँ पे लिखा हुआ है पार्किंग 2, यानी कि मेरी साइड स्टैंड यहाँ पे लगी हुई है। देखिए मैं गाड़ी को एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, गाड़ी मेरी रन नहीं हो रही, तो ये भी अच्छा सिस्टम है, अच्छा लगा है। साइड स्टैंड सेंसर भी आपको इसमें दिया हुआ है, साइड स्टैंड हमारी यहाँ से हट चुकी है और ये हम आ गए हैं रेडी मोड पर, रेडी मोड भी लिखा हुआ गया है, और ये देखिए एक्सेलेरेटर और ये गाड़ी आपकी चली, इसमें झटका भी नहीं लग रहा है, ये भी अच्छी बात है, स्मूथ पिकअप है। मोड सेकंड है, मैं आपको फर्स्ट मोड से गाड़ी वापस से दिखाता हूँ, फर्स्ट मोड में क्या आपकी स्पीड आ रही है, फर्स्ट मोड में ये आपका ये 30 तक चल जाता है, मतलब अगर आप इसको फर्स्ट मोड में अगर घर में किसी बच्चे को अगर दे देते हैं तो ये आपको नॉन RTO वाला फील भी यहाँ पर देगा। अगेन हम यहाँ पे सेकंड मोड लगा कर वापस से थर्ड मोड लगा के टॉप स्पीड हम इसकी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे लेग काफ़ी यहाँ पे लंबे हो, क्योंकि आगे जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है, आज थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप स्पीड हम इसकी फटाफट से हम टेस्ट कर लेते हैं, टॉप स्पीड इसकी कितनी आ रही है, 45 हम इसकी टॉप स्पीड मान लेते हैं कि ये 45 वाली स्पीड में चल जाता है, बट इसका जो इकोनॉमिक मोड है, इकोनॉमिक मोड आपको 30 के अंदर ही काउंट होगा, जो फर्स्ट मोड होता है उसे हम इकोनॉमिक मोड बोलते हैं। एक बार हम इसके ब्रेक लगा के चेक कर लेते हैं, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, एक बार और हम इसको थोड़ा स्पीड में लेके ब्रेक लगाते हैं। फ्रंट में डिक्स है और रियर में ड्रम है, दोनों साथ में अप्लाई करेंगे, चलो 40 पे ट्राई करते हैं। वाओ क्या ब्रेकिंग है, गाड़ी बिल्कुल भी स्कीड नहीं हुई, मैंने दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई करे और गाड़ी क्या रुकी, आपने भी देखा होगा
काफ़ी शानदार तरीके से गाड़ी यहाँ पे रुकी। बस मुझे इसके ब्रेक रखने थे, क्योंकि ब्रेकिंग में भी इसको आपको बता दिया है मैंने, आपको EABS मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिलता है, तो ये भी अच्छी एक बात लगी। वापस से हम यू टर्न ले लेते हैं और वापस से जहाँ हम थे वहाँ पर चलते हैं। बाकी में ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रेसिव लगे, ब्रेकिंग लीवर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो ये भी बात मुझे अच्छी लगी। ब्रेकिंग पे काफ़ी कंपनी ने काम करा है। एमओ एक्चुअली नोएडा वाली कंपनी है, दिल्ली में मैन्युफैक्चर होता है, मेड इन इंडिया स्कूटर्स है, तो ये मजबूती और बिल्ड क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। और अभी इसको आपकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम हो गई है, यानी कि आपको इसमें दोनों सब्सिडी मिलने वाली है, पहले इसमें फेम टू सब्सिडी नहीं थी, तो वो भी अभी फेम टू सब्सिडी आपको इसमें मिल रही है, तो ये काफ़ी यूनिक लगा। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। साउंड काफ़ी अच्छा आता है डिस्क ब्रेक का, बाकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे होते हैं इसके ब्रेकिंग, बाकी में इसके ब्रेकिंग अच्छे काम कर रहे हैं। और पिकअप भी अच्छा है इसका, मतलब स्मूथ पिकअप है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल फास्ट है बिल्कुल स्लो है, स्मूथ पिकअप है इसमें, ऐसा कोई झटके वाला फील नहीं है। अगर आपको लेडीज़ भी घर में चलाती है तो उसमें ऐसा कोई झटके वाला इसमें कोई फील नहीं है। एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें झटके वाला कोई फील नहीं आ रहा है, वो किस तरह से चलता है। देखिए मैंने गाड़ी यहाँ जीरो करी है और ये एक्सेलेटर मैंने यहाँ से दिया है, बिल्कुल भी गाड़ी आपकी झटके से नहीं उठी है, स्मूथली चली। तो ये टेस्ट राइड के अंदर हमको सिर्फ यही देखना होता है, बाकी टॉप स्पीड ठीक है 45 है। वापस से हम जहाँ थे वहाँ चलते हैं। टेस्ट साइड में भी काफ़ी अच्छा आया, ब्रेक हल्के से अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी स्पीड यहाँ पे रुक जाती है, क्योंकि ब्रेक में आपके सेंसर लगे होते हैं, तो आपकी यहाँ पे स्पीड यहाँ पर रुक जाती है। साइड में इसकी ले चुका हूँ, काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे ये लगा चलाने में, राइडिंग भी ठीक है, हाइटेड भी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया स्कूटर है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। टॉप स्पीड इसकी 45 जाती है आपके थर्ड मोड में, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर आप मार्केट में यूज़ करते हैं तो आपके लिए 45 की स्पीड काफ़ी है। अब मैं आपको बता दूं घाट सेक्शन की बात करें तो मोटर काफ़ी पावरफुल है, 1200 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है, तो अगर आप 3 पिलियन भी कहीं घाट सेक्शन पर जाते हैं, मान लो हमारा किला ही ले लेते हैं, तो आराम से आसानी से चढ़ जाएगा, मेरी खुद की गारंटी है आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लास्ट में बात कर लेता हूँ उसकी प्राइसिंग की, तो सब्सिडी सब कुछ हटा के आपको मात्र 67,000 में आपको ये आ जाएगा, एसेसरी वगैरह वो अलग से हो सकती है, बाकी 67,000 में आपको ये नेट आ जाएगा। बैटरी पे जो वारंटी मिलेगी आपको 3 ईयर की मिलेगी, आपको मोटर पे जो वारंटी मिलेगी 2 ईयर की मिलेगी, और कंट्रोल पे थोड़ी वारंटी आपको 1 ईयर की मिलेगी। कुछ कंपनी के कुछ नॉर्म्स नए भी रहते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे वारंटी मिलती है। आपका इसमें जो कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन हैं, आपको यहाँ पे मैं कलर दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर थोड़ा सा अभी शोरूम में मिसिंग था तो वो आपको बता नहीं पा रहा, पर आप ब्लैक कलर फिल कर लेना, यहाँ पे इस टाइप का कलर है, वाइट है, रेड है, और एक येलो था और एक ग्रे था और एक ब्लैक कलर था, ये कलर भी इसमें आपको मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये अभी फिलहाल मतलब 67,000 में 130 किलोमीटर की रेंज में एमओ का जॉन्डरी प्लस मुझे तो काफ़ी सस्ता लगा। तो यार दोस्तों, अगर आपके नियरेस्ट में शोरूम है एम्बो का तो आप जाएं और इसकी टेस्ट राइड जरूर लें और इसकी प्राइसिंग जरूर पता करें। ये RTO वाला मॉडल आ चुका है तो काफ़ी आपको इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो मेरे द्वारा बनाया था एमओ जॉन्डरी प्लस का। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, ओनली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना करें वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।